आपकी बेहद फरमाइश पर आपके लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की थग लाइफ के ऊपर रिएक्शन दोबारा से, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे मोदी जी के लिए, तो हमने कहा कि दोबारा लेकर आना चाहिए हमें। तो भाई जो मोदी जी को पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, और जो पसंद नहीं करते हैं मजबूरी है बाहर उनको भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना भाई? हाँ। तो देख लीजिए, शायद आपको कुछ चीज पसंद आ जाए। तो भाई बिना देर की चलते हमारे चैनल पर, नया आने वाले से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना खूबसूरत सा कमेंट हमने फीडबैक की जरूरत में दे दो, आए हमारे लेट्स गो। फनी मोदी जी, वाह, ये टैलेंट भी है। आखिरी सवाल आपसे कि गिरीश सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं जो दिल्ली के हैं, क्लास 11th के छात्र हैं, इनके मन में एक सवाल है माननीय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सुमध्यान। मैं गिरीश, जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली में 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। अच्छा महोदय, मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों के ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपके लोकसभा चुनाव है। तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है या आप थोड़े से नर्वस हैं? धन्यवाद। मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी माननीय कि इनका सवाल है कि मैं 11वीं का विद्यार्थी हूं, अगले साल हम दोनों की बोर्ड परीक्षा है, मेरी 12वीं की परीक्षा है, आपका लोकसभा चुनाव है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या फिर नर्वस हैं? क्या नाम बताया आपका? गिरीश सिंह। गिरीश, इतना मुझे पक्का लगता है अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए, क्योंकि ऐसा लपेट करके सवाल पूछने की ताकत जर्नलिस्टों की ही होती है। या टारगेटिंग होती है, किस तरह से आप देखते हैं? मैं राजदीप सरकारदार साहब को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं, इसी मुद्दे के भरोसे, सुनना पड़ेगा भाई, इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए, आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री पद्म भूषण कुछ प्राप्त कीजिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं है। जनता के कुछ सवाल मेरे पास में, बाबला कोचर का एक सवाल है। आजकल जितने भी विरोधी दल के नेता हैं एक सुर में एक ही गीत गाते हैं, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ, उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ। जब आप तक ये बात पहुंचती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? गुस्सा आता है, हंसी आती है, क्या प्रतिक्रिया होती है? मैं उनका आभारी हूं। तो होना पड़ेगा, उन्होंने देश के अंदर एक एजेंडा बना दिया है और मतदाताओं के सामने बड़ा लिमिटेड चॉइस है कि एक मोदी को रखना है नहीं रखना है, दूसरा है मोदी को हटाना है, उनके पास ये भी नहीं है किसको लाना है। मोदी को हटाने से किसको लाना, उनके पास ये भी नहीं है कि मोदी को हटाना क्यों है। दूसरी तरफ देश को पता है कि मोदी क्या क्या हटाना चाहता है और मोदी जो जो हटाना चाहता है उस आंधी में इन सबका बचना बड़ा मुश्किल है जी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर।
हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है. डिसलेक्सिक पीपल, डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है. जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था. तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? हाँ सर आएगी. तो सर बेसिकली तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी. ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी. फारूक साहब, लेकिन देश इस तरह से भी नहीं चलेगा कि लोगों की हत्या होती जाए, लोग वहां मरते जाएं और आपका सरकार उन लोगों को, हत्यारों को बचाने में लगी रहे. ये दिगी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में गुजरात में घटना घटी. और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में. और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए. तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब. और इन्होंने मना कर दिया. इन्होंने मना कर दिया. मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है. ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया. मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा. लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा. अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की एडवांस एंट्री हो गई आपके डर की वजह से, मोदी वापस आ जाएगा. डर अच्छा है. लेकिन एक आदमी ऐसा है जो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता. वो एक डायलॉग है ना, राहुल, नाम तो सुना होगा आपने. वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे सामने ठहर नहीं सकते. मैंने एक बार सुना था कि धरती कंप आ जाएगी. तो मैं उस दिन पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठा. मैंने कहा हो सकता है घंटे के बाद आए, दो घंटे के बाद आए. बड़ा इंतजार किया जी, लेकिन नहीं आए. नहीं आए. नहीं आए. मोदी जी को इसके अलावा, मोदी जी को आपने देखा ड्रम भी बड़ा अच्छा बजा देते हैं. मजा के साथ साथ ड्रम भी बड़ा अच्छा बजा देते हैं. काफी लोग मोदी जी को पसंद करते हैं. मैंने अक्सर वीडियोस देखी तो मोदी जी को बहुत ज्यादा लोग जो है सपोर्ट करते हैं. अक्सर जिस तरीके से इंडिया अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं ना, तो मैं समझती हूँ मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अब हमें नहीं पता भाई कि आपकी क्या राय है इसके बारे में, तो आप अपनी राय हमें कमेंट्स की सूरत में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है. हाँ, हो सकता है आप किसी और को सपोर्ट करते हो, राहुल गांधी को या फिर किसी और को. हाँ. तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि आप किसको सपोर्ट करते हैं अपने मुल्क में. हाँ, तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट्स की सूरत में जरूर दीजिएगा, भले हमारे खिलाफ ही हो. मोदी जी के ड्रम के लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा. इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें. हाँ, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना फीडबैक और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज. टाटा बाय बाय. अल्लाह हाफिज.